दोस्तों क्रिकेट और फुटबॉल से जुड़ी खबरों के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में इस घंटे को भी दबा देना ताकि आपको सबसे पहले खबर पता चले। हेलो दोस्तों, मैं हमीर, आपके मिस्ट्री पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों मैं फिर से आप लोगों के लिए एक और वीडियो लेकर आ चुका हूँ। कुछ दिन से मेरा तबीयत थोड़ा ख़राब था इसलिए वीडियो नहीं दे पाया, लेकिन आप फिर से कंटिन्यू वीडियो दूंगा दोस्तों। तो दोस्तों आज मैं इस वीडियो में आपको 10 ऐसे प्लेयरों के नाम बताऊंगा जो ISL सीजन 4 यानी कि 2017-18 में नहीं खेलेगा और उन लोगों को हम लोग बहुत ही मिस करेंगे इस सीजन। और दोस्तों आप अगर ISL सीजन के लिए सब टीमों के प्लेयर, मैच के तारीख, समय जानना चाहते हैं तो दोस्तों उसके लिए मैंने वीडियो बना दिया था। आप मेरे प्लेलिस्ट पे जाकर वो वीडियो भी देख सकते हैं, मैंने प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन पर दे दिया है। तो चलिए दोस्तों बात ना बढ़ा कर उन 10 प्लेयरों के नाम मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों 10 नंबर पर है बर्नार्ड मैडी। मैडी फ्रांस के एक रिटायर्ड फुटबॉलर है। उनके एज है 36 साल और राइट बैक, राइट विंग बैक और राइट मिडफील्डर के पोजीशन पर भी खेलते हैं। मैडी लगातार 3 सीजन चेन्नई FC के लिए खेल चुके हैं। चेन्नई के फैन को उन्हें देखने का एक आदत सा हो गया था। उनके अनोखे स्टाइल और स्पीड को देखने के लायक था, लेकिन इस सीजन में अब नहीं देख पाएगा चेन्नई के फैन उन्हें। इनके बाद 9 नंबर पर है जोसू कारिस। जोसू स्पेन के एक फुटबॉलर है और उनका एज है 27 साल। जोसू लेफ्ट बैक और मिडफील्डर के पोजीशन पर खेलते हैं। जोसू पिछले 2 सीजन के लिए रियल आर्मी यानी कि केरला ब्लास्टर के लिए खेल चुके हैं। उन्होंने केरला के लिए 25 मैच खेला और सिर्फ 2 गोल किया, लेकिन लेफ्ट बैक पोजीशन पर खेलते हुए उन्होंने केरला को बहुत ही हेल्प किया खेल में आगे बढ़ने के लिए। लेकिन इस बार फैन उन्हें नहीं देख पाएंगे और बहुत ही मिस करेंगे। इनके बाद 8 नंबर पर है जफी लड़ा। जफी लड़ा स्पेन के एक फुटबॉलर है और उनका एज है 31 साल और एक मिडफील्डर के पोजीशन पर खेलते हैं। लड़ा कोलकाता के लिए 23 मैच खेला था और 4 गोल भी लगाया था। लड़ा मिडफील्डर के पोजीशन पर खेलकर कोलकाता को बहुत ही मदद करता था खेल में, लेकिन इस बार नहीं खेलेगा और फैन उन्हें बहुत मिस करेगा। इनके पास 7 नंबर पर है सिड्रिक हैनबर्ट। सिड्रिक एक फ्रांस के फुटबॉलर है। उनका एज है 37 साल और सिड्रिक राइट बैक और सेंटर बैक पोजीशन पर खेलते हैं। सिड्रिक लगातार 3 सीजन ISL में खेल चुके हैं 2 टीमों के तरफ से। पहला और तीसरा सीजन में खेला था केरला ब्लास्टर के लिए और दूसरा सीजन खेला था नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड के लिए। पहले सीजन में केरला के तरफ से 11 मैच खेलकर केरला ब्लास्टर को फाइनल तक पहुंचने में बहुत ही हेल्प किया था, लेकिन इस बार ISL सीजन 4 में फैन उन्हें बहुत मिस करेगा। इनके पास 6 नंबर पर है हेल्डर पोस्टिगा। हेल्डर पुर्तगाल के एक फुटबॉलर है। उनका एज है 35 साल और एक स्ट्राइकर का पोजीशन पर खेलते हैं। हेल्डर सीजन 2 और 3 में कोलकाता के लिए खेल चुके हैं। सीजन 2 में चोट लगने के कारण सिर्फ 1 मैच खेल पाया था, लेकिन सीजन 3 में वर्ल्ड क्लास परफॉर्मेंस देकर सबको शॉक्ड कर दिया और सबके दिल में बस गए। लेकिन इस सीजन में अब नहीं खेलेगा हेल्डर। उनके जगह कोलकाता ने रॉबी किन को साइन कर लिया है। अब इस सीजन में देखने की बात यह है कि रॉबी किन उनके जगह ले पाता है या नहीं ले पाता है। उनके बाद 5 नंबर पर है सोनी नॉर्दे। सोनी नॉर्दे हाइटी के एक फुटबॉलर है और कोलकाता के मोहनबगान क्लब से भी खेलते हैं। उनका एज है 28 साल और एक विंगर के पोजीशन पर खेलते हैं। ISL में नॉर्दे मुंबई सिटी की तरफ से खेलते थे और उनका अटैकिंग स्पीड इतना अच्छा था कि अच्छे अच्छों का पसीना छुटा देता था, लेकिन इस सीजन में अब नहीं खेल पाएगा नॉर्दे। इनके बाद 4 नंबर पर है एरन ह्यूज। ह्यूज नॉर्थ आयरलैंड के एक फुटबॉलर है। उनका एज है 37 साल और एक डिफेंडर के पोजीशन पर खेलते हैं। ह्यूज सीजन 3 में केरला के लिए 11 मैच खेला था, जिनमें 4 में स्कोर भी किया था। उनके खेलने के अंदाज को देखकर सब खिलाड़ी को उत्साह मिलता था। बेसिकली आप देख सकते हैं कि संदेश जिंगन अपने खेल में बदलाव लिया ह्यूज के वजह से ही। और हम सब लोग ह्यूज और सोनी नॉर्दे के बीच शॉर्ट ऑफ को लेकर जो मूवमेंट हुआ था वो हमेशा याद रहेगा। इनके बाद 3 नंबर पर है डिएगो फॉलेन। डिएगो फॉलेन उरुग्वे के एक फुटबॉलर है। उनका एज है 38 साल और एक फॉरवर्ड के पोजीशन पर खेलते हैं। उरुग्वे के लीजेंड ISL 3 में मुंबई सिटी के लिए खेला था। फॉलेन मुंबई के लिए 11 मैच खेला और 5 गोल भी लगाया था। फॉलेन केरला ब्लास्टर के खिलाफ जो हैट्रिक लगाया था वो हम सब लोगों को याद रहेगा हमेशा। इनके बाद 2 नंबर पर है फ्लोरेन माओदा। फ्लोरेन फ्रांस के एक प्रोफेशनल फुटबॉलर है। उनका एज है 37 साल और लेफ्ट विंगर का पोजीशन पर खेलता है। फ्लोरेन 2 साल के लिए दिल्ली डायनामोज की तरफ से खेला था, लेकिन इस बार दिल्ली ने फ्लोरेन को नहीं लिया। इन 2 साल में फ्लोरेन अपने खेल से हम लोगों को अपने फैन बना लिया था और हम लोग बहुत ज़्यादा इस बार उन्हें मिस करेंगे।
और दोस्तों सबसे पहले मैंने रखा है निको विलेज को। तो दोस्तों निको विलेज अर्जेंटीना के एक प्रोफेशनल फुटबॉलर है, उनका एज है 27 साल और एक स्ट्राइकर का पोजीशन पर खेलते हैं। विलेज आईएसएल 2 और 3 में नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड के लिए खेला था। विलेज सीजन 2 में टोटल 14 मैच खेला जिसमें 5 में गोल भी किया था। इसके दौरान फिर से विलेज को सीजन 3 में रिटर्न कर लिया नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने। विलेज अपने अनोखे अटैकिंग स्पीड से डिफेंडरों का धज्जिया उड़ा देता था। विलेज नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड के सबसे बड़े हीरो बन गया था, लेकिन इस बार यानी कि आईएसएल सीजन 4 में अब नहीं खेलेगा विलेज, इसीलिए हम लोग उन्हें सबसे ज़्यादा मिस करेंगे। तो दोस्तों ये था मेरे तरफ से 10 ऐसे प्लेयरों के नाम जिन्हें हम लोग आईएसएल सीजन 4 में बहुत ज़्यादा मिस करेंगे। और दोस्तों आप लोगों को इनमें से कौन कौन से प्लेयरों को ज़्यादा से ज़्यादा याद आएगा मुझे कमेंट में बताइए। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं तक, और दोस्तों आपको बहुत बहुत शुक्रिया टाइम निकल के वीडियो को देखने के लिए। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कर दीजिए, और इसी तरह के और भी वीडियो देखने के लिए आप लोगों का ही चैनल है एमएससी यूट्यूब जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। और मैं दुआ करता हूँ कि आप स्वस्थ रहे और इसी तरह से हमारे वीडियो देखते रहे। अभी के लिए अलविदा।